कल नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में खूब गहमा गहमी थी, बुलडोजर एक्शन में भी दिखा तो सोसाइटी के लोगों का विरोध भी। लेकिन इन दोनों ही क्रियाओं को लेकर अब एक तगड़ा अपडेट है। कल यानी 30 सितंबर को सोसाइटी के लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक्सट्रीमली अर्जेंट कहकर इस मामले में सोसाइटी के लोगों ने इसे जो है 20 तारीख तक स्टे ले लिया। वहीं दूसरी ओर जितने भी सोसाइटी के लोग कल सोसाइटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे, सब पर नोएडा प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। जी हां, आइए जानते हैं विस्तार से इस मामले को। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। पहले आइए जानते हैं हाई कोर्ट के आदेश के बारे में। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स फ्लैट मालिकों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और नोएडा अथॉरिटी से भी जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता मुकुल गुप्ता और 124 अन्य फ्लैट मालिकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमके गुप्ता और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने जो है इस आदेश को सुना और आदेश को दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 20 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था इसमें कि वहां पर कोई स्थायी निर्माण नहीं किया गया, जबकि बिल्डर के करार के तहत 6 लाख रुपए जमा करने के बाद वहां केवल 3 शेड ही लगाए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी के भेजे गए नोटिस का जवाब दिया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया और विचार किए बिना ही वहां कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ अथॉरिटी के अनुसार नोटिस स्थायी अवैध निर्माण हटाने का है और नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि ग्रैंड ओमेक्स एसोसिएशन अपार्टमेंट मालिकों की शिकायत पर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध स्थायी निर्माण को हटा लेने का नोटिस जो है दिया था। अथॉरिटी द्वारा उसकी मुनादी भी कराई गई थी। इस मामले में शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से तुरंत दखल की प्रार्थना की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करने का आश्वासन देते हुए दोपहर 12 बजे अथॉरिटी के अधिवक्ताओं को ध्वस्तीकरण रोकने का मौखिक आदेश दिया। इसके बाद कोर्ट ने दोपहर 2 बजे दोनों पक्षों को सुनकर ध्वस्तीकरण रोकते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी दे दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई, जैसा कि हमने पहले बताया, ये 20 अक्टूबर को की जाएगी। अब आइए जानते हैं नोएडा प्राधिकरण ने ग्रैंड ओमेक सोसाइटी वासियों पर क्या कहकर मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल 3 सितंबर को सोसाइटी वासियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था और जवाब में कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने और सोसाइटी का मेन गेट बंद करने को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो है धारा 147, 341, 353। अब पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है और जल्द ही इन पर कार्रवाई हो सकती है। तो मतलब जो लोग कल प्रदर्शन कर रहे थे, जो लोग बैनर और पोस्टर लेकर बैठे थे वहां पर, उन पर जो है जल्द कार्रवाई होने वाली। तो अब इसका मतलब साफ है कि जो लोग कल वहां पर बैठे थे बैनर पोस्टर लिए, उन पर जो है कार्रवाई जल्द होगी। तो बाकी तमाम अपडेट्स के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।